मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा पर एम्स के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। कांगड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स के लिए कांग्रेस सरकार ने जमीन उपलब्ध करवा दी है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर के अहम के चलते इसका निर्माण कार्य लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा क्षेत्रवाद व जातिवाद की राजनीति की है, जबकि कांग्रेस ने इससे हटकर विकास की राजनीति का ध्येय माना है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा ऐसे हथकंडे अपनाती है और लोगों को क्षेत्रवाद के नाम पर बांटने का काम करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति तो चुनाव में होती है, इसलिए चुनावी रण में मुद्दे भी गंभीर होने चाहिए, लेकिन गाली गलौज कभी सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में जब भी विधानसभा का सत्र हुआ है, भाजपा विपक्ष में है और विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल हैं, मगर सत्र मात्र 20 दिन का होने के बावजूद भाजपा 18 दिन बाहर रहती है। उन्होंने कहा कि अगर वे अंदर भी रहते तो उनकी कोशिश होती है कि सत्र ना चले और सदन की कार्रवाई में किसी न किसी तरह से रोक लगाई जाए। जमीन चाहिए, हमने वो भारत सरकार को दे दी एम्स के लिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए। अब उसमें भाजपा के नेता आपस में लड़ रहे हैं। आज जो हमारे मंत्री हैं स्वास्थ्य के, नड्डा जी वो बिलासपुर के हैं और दूसरे के नाम यहां कहते हैं कि जरूरी नहीं कि वह हम और जगह देंगे। अरे पहले फैसला करो, हम आपको वो जमीन दे दीजिए, उसका इस्तेमाल करो। हमारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि प्रदेश आगे बढ़े, प्रदेश का एक एक वर्ण आगे बढ़े, एक एक वर्ग आगे बढ़े। मैं व्यक्ति रूप व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रवाद और जातिवाद में विश्वास नहीं करता और यही कांग्रेस की नीति रही है। हमारे लिए सारा प्रदेश एक है। आज भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर जब चुनाव का वक्त आता है और चुनाव की गर्मी पैदा होती है और वो अपने लिए खतरा महसूस करने लगते हैं तो अंत में फिर वो क्षेत्रवाद और जातिवाद को आते रहे। नया हिमाचल, पुराना हिमाचल, नीचे पहाड़, ऊपर के पहाड़, बीच के पहाड़, और अभी इससे भी तीज चले किसी भी काम में बने जातिवाद पर आ जाते हैं। यह हमेशा जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की नीति है। मैंने भी कितने इलेक्शन लड़े हैं और लड़ाए हैं। कई राष्ट्रवाद भूल जाते हैं, क्षेत्रवाद, जातिवाद भूल जाते हैं, ये एक एक समस्या है उसको भूल जाते हैं और फिर वो राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए वो फिर से क्षेत्रवाद, जातिवाद, इलाकावाद के विकास की बात है। आज विधानसभा के अंदर 5 साल हो गए और कह सकता हूं जब भी विधानसभा का सत्र हुआ, राष्ट्रीय साथ भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है उनके विपक्ष के नेता है श्री प्रेम कुमार धूमल, अगर सेशन 20 मिलता है तो वो 18 दिन बाद आमतौर और जब अंदर भी रहते थे तो उनकी कोशिश होती थी, उनकी ये कोशिश होती थी कि कोई जरूरत और हजार गुजरा हो और सभी की कार्रवाई नहीं करते। अभी